कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों से भी अच्छा आय अर्जन कर सकते हैं। तो इस कार्यशाला को आयोजित करने का उद्देश्य यही है कि कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों को अपना कर भी हम कैसे आर्थिक अर्जन कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य वही है कि आप लोगों को जागरूक करना इन विषयों पे। अब अगर आप जैसे बात करेंगे कि वायदा बाजार क्या है, बहुत नई सी चीज है, अक्सर नहीं समझ में आती कि वायदा बाजार क्या है। बहुत सारे जो बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप उनसे भी बात करिए कि वायदा बाजार क्या है, तो वो भी उनको भी समझने में दिक्कत होती है। अगर हम आपसे कहें कि वायदा बाजार की परिभाषा क्या है, तो शायद उसमें से बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको सरल से सरल भाषा में, हिंदी में, वायदा बाजार का क्या अर्थ है, वायदा बाजार की क्या आवश्यकता है आज के परिदृश्य में, ललितपुर में इसका क्या रोल हो सकता है, ललितपुर जिले में वायदा बाजार की क्या भूमिका हो सकती है, किसानों को इससे बेहतर लाभ कैसे मिल सकता है, इन सभी विषयों पे आज की कार्यशाला में परिचर्चा होगी। अब अगर हम देखें जैसे कि वायदा बाजार क्यों होना चाहिए, कई बार क्या होता है कि किसान को अपनी फसल जो है वो औने पौने दाम में बेचनी पड़ती है। मान लीजिए अभी पानी बरसा, गेहूं की फसल हो सकता है बहुत अच्छी हो जाए, तो होता क्या है, जब फसल अच्छी हुई हमारे पास उत्पादन बढ़ गया, लेकिन जब हमारा हम देखते हैं जब उत्पादन बढ़ जाता है तो फसल के दाम गिर जाते हैं, है ना। तो किसान या सभी लोगों को खुश होना चाहिए कि उत्पादन बढ़ रहा है देश में, लेकिन किसानों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किसानों को इससे कष्ट सहना पड़ता है। उत्पादन बढ़ा, किसानों के लिए उत्पाद का दाम नीचे आया, है ना। ये एक बड़ा विरोधाभास की स्थिति है, एक बड़ी विरोध की स्थिति है कि हम लोगों को तो चीजें सस्ती मिलने लगती, जो उपभोक्ता है, जो शहरों में खाद्य पदार्थ खा रहा है, जो फसलों को यूज कर रहा है, अपने जो अनाज खरीद के खा रहा है, उसको तो सस्ता मिलने लगता है, लेकिन किसान जो उगा रहा है, जो हार्ड को मेहनत करके फसलों को उगा रहा है खेत में, उसको उत्पादन अधिक होने के दाम कम मिलता है। कई बार क्या होता है, उत्पादन हो गया, आपके पास रखने की दिक्कत है, भंडारण की समस्या होती है जिले में। ललितपुर जिले की बात करें तो भंडारण की बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पे। तो किसान क्या करता है कि सिर्फ चीजें उठा करके सोचता है कि हमारा माल जिस भी दाम पे बिकता है वो बिक जाए। छह महीने बाद हमें क्या पता लगता है कि हमने 1285 रुपए क्विंटल का जो गेहूँ बेचा था, 1500 रुपए चला गया, और 3 महीने के बाद पता लगा 1750 पे भारतीय जो है उसको बेच रहे हैं, 500 रुपए क्विंटल का नुकसान। किसको? क्यों? क्योंकि जानकारी कमी है, भंडारण की सुविधा नहीं है। देखिए, चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो वायदा बाजार उन सब चीजों में कहां पे फिट होता है, हम उसकी जानकारी आपको इस कार्यशाला में परिचर्चा के दौरान देना चाहेंगे। साथ आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको कुछ पूछना है इस परिचर्चा के दौरान, तो आप अपना हाथ खड़ा कर हमारे अतिथि वक्ता जो है श्री मानस बेहरा लखनऊ से आए हैं इस कार्यशाला के लिए, वो वहीं पे रुकेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, या अगर वो आगे बढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके प्रश्नों का समाधान जो है इस परिचर्चा के दौरान पूरा पूरा किया जाएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके जितने भी प्रश्न यहाँ पे उठते हैं वायदा बाजार से जुड़े हुए, उन सभी का समाधान करने का प्रयास किया जाए। अब किसानों को इससे फायदा क्या हो सकता है, क्यों में तो आ गए, तो किसानों के साथ एक बड़ी विरोधाभास की स्थिति है कि उत्पादन बढ़ा उनको दाम कम मिलने लगे, उत्पादन घटता है, लेकिन प्याज का जैसे अभी बीच में अफवाह उड़ी, प्याज